हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसमें मैं लाऊं एक और इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए। दोस्तों आजकल ये है वो इंटरेस्टिंग चीज, दोस्तों आजकल जो है वायरलेस चीजों का बड़ा ही एक फैशन और एक ट्रेंड बन चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वायरलेस जो बर्ड्स हैं, एयरपोर्ट जिसको कहते हैं, तो इसको क्यों ना खोल कर आपको बताऊं कि एक अंदर से किस तरह से चार्ज होते हैं, या इसके अंदर कितनी बैटरी निकलती है, कितने साइज की बैटरी निकलती है। तो ये मेरे पास है आईफोन 3 की कॉपी है वैसे ये, क्योंकि मेरा मकसद है आपको ये दिखाना कि अंदर से किस तरह से बने होते हैं, और जो इसके जिसे कहते हैं कि हेडफोन जो है डब्बी में ही चार्ज होते हैं। मैंने इसको खुद पर्सनली भी किया, इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, और इसके अंदर ये चीज़ें निकलती हैं, कुछ इसकी केबल निकलती है, मैंने यूज़ किए तभी ये गंदी हो चुकी है, और कुछ बर्ड्स निकलते हैं, ताकि आप बर्ड्स अगर कम या अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो इन सबको करते हैं साइड में और मेन चीज पर आते हैं, ये एयरपोड्स 3। तो दोस्तों ये बड़े ही अच्छी, अगर आप इसको दोस्तों अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं, और ऐसे ही डिफरेंशिएट वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है, आप सजेशन देना चाहते हैं या कुछ एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ, और हो सकता है आपका कमेंट मुझे अच्छा लगे और एज अ सुजेशन मुझे अगली चीज़ लाने में हेल्प हो, तो मैं उसी वीडियो में आपका कमेंट भी दिखाऊंगा और उस चीज़ को खोलकर भी दिखाऊंगा। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करो। तो ये मैं दिखा दूँ आपको, ये यहाँ से चार्ज होता है, इसमें वायर लगा के जो आईफोन में जैसे प्लग होती है वैसा ही सॉकेट है, USB-C मिलती, तो इसमें लगाकर आप इसको चार्ज कर देते हैं। और जब ये डाउन होती है इसकी बैटरी, तो पहले रेड लाइट होती है, रेड लाइट दिखती है, और फिर बाद में ग्रीन हो जाती है, हालांकि ये पूरा सही नहीं होता। और ये बटन दिया हुआ है ताकि पता नहीं कुछ इससे पता लग सके कि कितना चार्ज है कितना नहीं। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये देखिए लाइट बताता है कि ये चार्ज है। तो इसके अंदर ये देखिए ये पोर्ट्स निकलते हैं, ये जो इससे पहले वाला सीरीज था, एयरपोर्ट्स की सीरीज थी, तो उसमें इसका साइज जो था थोड़ा बड़ा था। अब ये 3 सीरीज है, उसकी कॉपी है, तो इसका साइज छोटा है, देखने में भी अच्छा लगता है, ना ही इसमें कोई लाइट ब्लिंक करती है। जैसे आपने कुछ इससे पहले वाली सीरीज का अगर आपने कॉपी खरीदा होगा, तो उसमें लाइट जो है रेड और ब्लू वो ब्लिंक करती है, तो साफ पता लगता है, क्योंकि जो असली एयरपोर्ट्स होते हैं उसमें लाइट ब्लिंक नहीं करती, तो वैसा ही ये बना हुआ है। मैंने इसको 1500 के करीब मैंने लिया था, तो इसका बैटरी बैकअप 3-4 घंटे का है। तो चलिए इसको खोल कर देखते हैं। सबसे पहले इसकी मैं इस डब्बी को खोल कर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कुछ मैग्नेट टाइप है, ऐसे बंद करने पे आराम से बंद हो जाती है। तो चलिए इसको खोल कर देखते हैं। ये देखिए यहां से एक कट नजर आ रहा था मुझे, तो मैंने सही तरीके से उसके ऊपर ही पहले खोला उसको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे ये जो डब्बी है ये तो अलग हो गई इससे, और ये आई थिंक अब जुड़ेगी भी नहीं इससे, क्योंकि ये टूट चुकी है। तो चलिए इसके अंदर जो जैसे हम ये पोर्ट्स डालते हैं, ये दोनों यहाँ पे प्लेस हो जाते हैं, और जो इसका नीचे का जो मैकेनिज्म बना हुआ है, ये नीचे एक चिप सेट के साथ जुड़ा हुआ है, और साथ में ये इसकी बैटरी है, ये देखिए ये बैटरी है, और साथ में ये पता नहीं क्या गिर, सॉरी ये इसकी बैटरी है, ये बैटरी है, और ये बैटरी इसको चार्ज करती है जब ये नीचे आते हैं, और चिपसेट के अकॉर्डिंग ही ये काम करता है। देखिए बहुत से इसमें कनेक्टर लगे हुए हैं, इसकी तो मुझे वैसे नॉलेज नहीं है, ये देखिए, और ये आई थिंक मैग्नेट है, नहीं ये भी मैग्नेट नहीं है। चलिए ये पोर्ट को निकालते हैं और इसको थोड़ा और खोल कर देखते हैं। जो बैटरी है बड़े आसानी से वैसे निकल गई बाहर, ये देखिए इतनी छोटी सी बैटरी है, और फिर भी कितना 2-3 घंटे इसको निकालती है।
इस बैटरी के अंदर क्या है वो भी मैं मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है कि इस बैटरी के अंदर वैसे क्या होता है। जैसे कुछ होते हैं बैटरीज ज़्यादा देर निकालती है बट उसका साइज़ भी कम होता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट मैं लाऊँ आपके लिए, तो कमेंट ज़रूर करना, मुझे भी आइडिया होगा कि मैं आपके लिए ऐसी चीज़ लाऊँगा। दोस्तों ये बैटरी जैसे टॉफी, जैसे आप कैंडी देखी होगी तो उसमें जैसे रैपर में लिपटी होती है, इस तरह से ही बैटरी लिपटी हुई है। इसको मुझे आपको मैं खोल कर दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या निकलता है, किस तरह की बैटरी निकलती है। और अगर आपने मेरी बैटरी वाला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखना, उसमें मैंने आपको बताया कि जो अलग अलग बैटरीज होती हैं, जैसे कुछ ज़्यादा पावर वाली कम पावर वाली, तो उसके अंदर ऐसा क्या निकलता है। दोस्तों बैटरी जो है इससे रैप होती है, ये जैसे सिल्वर फॉइल जैसा है, इस सिल्वर फॉइल के अंदर एक और रैपर है, बड़े ध्यान से खोलना पड़ता है, कभी कभार ये गर्म भी होने लग पड़ती है बैटरी जैसे खोलने पे। ये धुआं निकाल रही है जब मैंने इसको थोड़ा सा इससे खोलने की कोशिश की, तो चलिए थोड़ा सा फिर भी जितना हो सकता है हम खोल कर दिखाते हैं आपको। ये देखिए थोड़ा सा स्पार्क किया इसने, पता नहीं इसके अंदर ऐसी क्या चीज है। सो लोहे से खोलना तो सेफ नहीं लग रहा मुझे। ये देखिए थोड़ा सा इसमें स्पार्क्स टाइप हो रहा है। आप इसको घर पर ट्राई मत करना, ये देखिए आप इसको घर पर ट्राई मत करना। सो दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो ये देखिए पूरा जल गई थी ये, इसको थोड़ा सा टच कर रहा था मैं। तो चलिए अब इसको बैटरी का तो काम हो गया, अब बाकी चीजों की तरफ बढ़ते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। यार ये तो मुझे रुक रुक के डरा रहे ये चीजें। सो ये कॉपर की कवरिंग की हुई है और कुछ मैकेनिज्म बना हुआ है, तो आई थिंक आपको इतना ही ठीक है। बाकी एयरपोर्ट्स को खोल कर दिखाता हूँ आपको। सो एयरपोर्ट्स का ये लग रहा है सीधा, जैसे इसको थोड़ा सा मैं गर्म करके आपको खोल कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये यहां से खोलेंगे, जैसे नीचे इसमें इसके अंदर जैसे देखा जाए तो इसके अंदर कुछ नहीं, वायर है और ये चिपसेट इसमें भी लगा हुआ है, क्योंकि इसमें सेंसर्स होते हैं फोन कट करने के लिए या फोन उठाने के लिए, तो ये सेंसर टाइप इसमें भी, जैसे कुछ सेंसर टाइप अगर चीजें आ जाती तो उसमें चिपसेट जरूर मिलता है। तो इसलिए ये हेडफोन्स इसलिए थोड़े से महंगे होते हैं अगर आप बाकी ब्लूटूथ परचेज करें, क्योंकि इसमें ऐसा चिपसेट लगा हुआ है, सेंसर्स होते हैं। ये देखिए ये खुल गया, इसके अंदर भी बैटरी है, बिल्कुल इसके अंदर भी बैटरी होनी चाहिए, वो भी सेम बैटरी होगी जिसमें दो तीन रैप्स लगे हुए हैं, और ऑब्वियसली इसके अंदर भी थोड़ा सा स्पार्क होगा। इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपके लिए मैंने खोल के दिखाई है, और ये थोड़ी सी स्पार्क करती है और आग भी थोड़ी सी अभी काफ़ी लग गई थी बिना किसी वजह से टच करने पे ही। और ये सेल भी आई थिंक ये भी सेल टाइप बैटरी लगी हुई है, जैसे सेल आपने घड़ियों में लगा हुआ देखा होगा, तो ये उस तरह का सेल है। इसको खोलने की कोशिश करता हूँ मैं। दोस्तों इसको भी खोलना वैसे जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भी नाराज हो गया और ये भी स्पार्क कर रहा है।
तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ, और कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।